हाई एवरी वन दिस इज़ वोनिका आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक आपको अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन उन पर मिलेंगे दिस इज ऑन सेक्स वर्कर्स इन इंडिया उनकी सिचुएशन पे हम बात आ, करेंगे कि क्या उनके पास सच में कोई चॉइस है बहुत अच्छे आर्टिकल्स मैंने प्रिंट मीडिया में इसके बारे में पढ़े स्पेशली आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू गांव कनेक्शन उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी कवर की थी तो उस सबको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अः अभी ये न्यूज देखिए सेक्स वर्कर्स की कहा से आई कि नागपुर में हमने देखा रेड लाइट एरिया रेड लाइट एरिया आप जानते हैं मोस्टली हर सिटी में आपको मिलेगा रेड लाइट एरिया जहाँ पे सेक्स वर्कर्स काम करते हैं अब ये रेड लाइट एरिया है गंगा जमुना जो काफी देर न्यूज में रहा क्योंकि लॉ एन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ने वहां पे सोचा कि 200 साल पुराना रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में उसको बंद कर दिया जाए अब यहाँ पे आ, मैं आपसे पूछती हूँ कि वॉट डू यू नो अबाउट प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया बहुत लोग इसको लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है इलीगल है अगर इलीगल है तो इतने सारे ब्रॉथस हम जानते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं देखिए तो इसका बहुत ऐसे पर्टिकुलर आंसर हमको नहीं मिलेगा ये बोलना कि प्रोस्ट। अगर आप विकीपीडिया का पेज देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन इंडिया बट सोलिसिटिंग प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड सोलिसिटिंग हो गया पिम्पिंग कोठे खोलना ब्रॉथल्स खोलना अलाउड नहीं है लेकिन कोई इंसान कोई महिला कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर अपनी बॉडी ट्रेड करने के लिए राजी है खुद से तो वो कर सकता है तो हम इसको एज एन लीगल या इलीगल ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते यहाँ पे बहुत सारी ग्रे शेड्स आपको देखने को मिलेंगी तो कहने का मतलब यह है कि अदरवाइज अगर कोई खुद अपनी मर्जी से कोई इंडिविजुअल प्रोस्टिट्यूट प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है दैट इज अलाउड अपनी बॉडी को ट्रेड कर रहा है एज अ सेक्स वर्कर काम कर रहा है वो अलाउड है उस पर कोई उसको अंदर uh, नहीं कर सकता लेकिन अगर कोई किसी को फोर्स uh, कर रहा है इन टू दिस वर्क इन टू प्रॉस्टिट्यूशन तो वो डेफिनेटली अलाउड नहीं है वो इलीगल है सोलिसिटिंग पिमपिंग ओपनिंग ब्रॉथल्स इज नॉट अलाउड इन अ कंट्री नाउ कमिंग बैक बट स्टिल हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्रॉथल्स चल रहे हैं आप लोग भी यही सोच रहे होंगे देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज इंडिया में ऐसी होती हैं जो अलाउड नहीं होती इलिगल होती हैं लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र उस पर कब जाएगी तभी वहाँ पे चीज़ें बंद होंगी राइट right. और दूसरी बात हम एक मॉरल लाइंस पे भी लेडीज़ को जो सेक्स वर्कर्स हैं बहुत जज करते हैं लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि उनके कस्टमर्स कौन हैं कौन लोग उनके पास जा रहे हैं उनको हम कभी जज नहीं करते सो आई वुड से जस्ट इन वन लाइन कि हमारे देश में प्रॉन्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ लीगल है बट रेगुलेटेड नहीं है और वो रेगुलेशन ना होने की वजह से सेक्स वर्कर्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं स्पेशली महिलाएं वो बहुत ही ज़्यादा एक बुरे दौर से गरीबी से गुज़रती हैं और बहुत सी लेडीज़ को लड़कियों को इसमें फ़ोर्स भी किया जाता है यहाँ पे आपने इस तरह की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आपने देखी होंगी तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि डू दे रियली हैव अ चॉइस जजमेंट में हम लोग सबसे आगे आते हैं लेकिन क्या उनके पास चॉइस है इस तरह से प्रिंट मीडिया में आप रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ जो है देख सकते हैं ये लास्ट ईयर फिफ्टीनथ अगस्त की बात है लास्ट ईयर सील कर दिए थे जितने भी रोड्स गंगा जमुना जाते थे ये सिटी के नागपुर सिटी का 200 साल पुराना रेड लाइट एरिया है और यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सेक्स वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं और ऐसा होने पे बहुत लोग सड़कों पे आ गए प्रोटेस्ट शुरू हो गया उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 144 भी लगाना पड़ा इसके बाद आपने देखा कि जो इस एरिया में प्रोस्टिट्यूशन है उसको बैन कर दिया गया किस एक्ट के अंदर प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैकिंग एक्ट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ वेग है प्रॉस्टिट्यूशन को लेकर ना ही वो लीगल है ना ही हम उसको रोक रहे हैं बट इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैकिंग एक्ट जो है उसके अंदर ट्रैफिकिंग एक्ट जो है उसके अंदर इसको बैन किया गया अब जो सेक्स वर्कर्स हैं इस एरिया में वो चाहते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि इसको बैन को हटाया जाए क्योंकि इससे उनका रोज़गार इफेक्ट हो रहा है उनके जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर इफ़ेक्ट हो रहा है अब इस एरिया में अराउंड माना जाता है 188 एटी एट ब्रॉथल्स हैं यानी कोर्ट है जहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं 30 मल्टी स्टोरीड और कुछ स्मॉल एरियाज हैं गंगा जमुना एरिया में और यहाँ पर वुमेन जो महिलाएँ हैं उनको रेंट पर दिया गया है और डेली वीकली मंथली बेसिस पे जैसे भी इनका एंगेजमेंट यहाँ पर चलता है ब्रॉथल ऑनर्स जो हैं वो महिलाएं हैं जो सेक्स वर्क में यंग एज में आ गई और ओवर द इयर्स उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि घर लोका उस लोकेलिटी में ले लिया अब इसके बाद देखिए जो भी आप डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे या जैसे गांव कनेक्शन में हमने देखा कुछ लोगों से इन लोगों ने बात की वहां पे जो लेडीज हैं यंग महिलाएं हैं पता चलता है कि 25 कस्टमर्स एक महिला एक यंग महिला एक दिन में देख रही है एज अ सेक्स वर्कर और मेजॉरिटी कस्टमर्स जो हैं यहाँ पे जो लोग आते हैं 10 मिनट के सेशन के लिए कितने पैसे चार्ज किए जाते हैं हजार से पंद्रह सौ रुपये तो डेफिनेटली ये एक्सपेंसिव है यहाँ पे ये यह पर्टिकुलर एक महिला के बयान को कोट किया जा रहा है कि डिपेंड करता है कि किसी की एज कितनी है उस हिसाब से और कितने टाइम कोई उसको दे रहा है उस हिसाब से यहाँ पे पैसे चार्ज किए जाते हैं और अगर ज़्यादा टाइम है तो जैसे सपोज़ वन आर और किसी की एज कम है किसी महिला की तो फाइव थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड पर आवर भी यहाँ पे चार्ज किया जाता है उसके बाद एक और महिला है इक्कीस साल की राजस्थान से अब वो यहाँ पर कैसे पहुँची ट्रैफिकिंग ट्रैफिकिंग कैसे होती है कि, कि किसी को झूठे वादे करके लाया जाए कि आपको शहर ले जाएंगे आपको काम दिलवाएंगे इस तरह से गरीब लोगों की लड़कियों को आगे पीछे शहरों से गांव से उठा के लाया जाता है और फिर वो कभी वापस यहाँ से निकल के नहीं जा पाती क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो इसी तरह से 21 साल की आ, महिला हैं वो बोलती हैं कि ट्रैफिकिंग से वो गंगा जमुना पहुँची स्ट्रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में और अब यहाँ पे वो बताती हैं कि जब जैसे यू नो कि वुमेन में वुमेन में मेनिस्ट्रल साइकिल होती है मेनिस्ट्रेट वुमेन मैनिस्ट्रेट पीरियड्स आते हैं उसमें अगर किसी महिला को बेचा जाता है वो एज अ सेक्स वर्कर काम करती है तो उसका और भी ज़्यादा चार्ज किया जाता है और दूसरी बात यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके पास कोई चॉइस नहीं है ना कहने की उनके पास खुद की कोई चॉइस नहीं है तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि हमारे देश में रेगुलेशन ना होने का नुकसान क्या है कि ये जो महिला सेक्स वर्कर सेक्स वर्कर्स हैं इस तरह के प्रॉस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं एक तो हम उनकी हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं दे पाते उनकी इनकम ना ही उनको कोई लेबर लॉ कवर करता है ना ही कोई इंश्योरेंस ना ही कोई कंपनी कवर करती है उनकी हेल्थ उनकी इनकम उनके फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता क्योंकि आप देखिए उनके पास चॉइस ही नहीं है ना कहने की राइट right? और वर्ष अगर वो मैनिस्ट्रेट कर रही है वो उन दिनों में भी जब उसके पीरियड्स आ रहे हैं तो भी वो ना नहीं कह सकती अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे जाके पुलिस को क्यों नहीं बोलती बिकॉज़ यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट्स हैं एक बहुत ही ब्लैक और शेडी एरिया है हमको समझ नहीं आता ये ट्रैफिकिंग कैसे होती है क्या मजबूरियाँ रहती हैं क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पुलिस पहुंच भी गई वहाँ पे बोले कि आपको पकड़ के लाया गया लेकिन उनकी क्या मजबूरियाँ वो सामने वाले के खिलाफ बयान नहीं दे पा रही तो देर आर ह्यूज डार्क स्टोरीज बिहाइंड इट अब एक और एंटी ट्राफिकिंग रेड हुई और लेकिन देखिए ना ये जो ट्राफिकिंग ये जो लोग बयान दे रहे हैं ये बयान कहाँ से आ रहे हैं कि फाइनली जब एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ऐसे एरियाज आते हैं जब रेड्स पड़ती हैं तो यहाँ से लोगों को छुड़वाया जाता है अब एक और एंटी ट्राफिकिंग रेड हुई वहाँ पे एक 16 साल की लड़की को पकड़ा गया जो कि बांग्लादेश से थी उसको भी इस तरह से भला फुसला के इंडिया में लाया गया कैसे लाया गया कि आपको काम दिलवाएंगे किसी के घर में आपको काम करना है एज अ मेड हाउस कीपर का जॉब करना है अब वो जो लड़की है वो तंगाली डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश से है उसकी मदर मेंटली अनस्टेबल है उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो उसको घर का खर्चा उठाना है तो वो रिस्क लेने के लिए रेडी होगी कि चलो इंडिया जाके मुझे काम मिलेगा लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँची तो उसको पता चला कि उसको क्या काम करना है और वापस जाने और उसको ऐसी जगह पे ले जाया जाता है उनके पास कोई पैसे नहीं होते कोई सपोर्ट नहीं होती कि वो वापस घर भी जा पाएँ तो उसका यही कहना था कि जब वो ढाका से आई उसके लिए बहुत मुश्किल था अपनी फैमिली को छोड़ के आना लेकिन उसको लगा कि वो अपने बा अपने बाकी के घर वालों को सपोर्ट कर पाएगी तंगाली यानी बांग्लादेश से वो वाया रोड आए जितना उसको याद है फिर उसको कुछ जूस पिलाया गया और देन उसको पता चला कि उसको एज अ सेक्स वर्कर काम करना है पहले वो रोई धोई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उसको उसका रेप भी किया गया मारा गया उसके प्राइवेट पार्ट्स को सिगरेट से जलाया गया अल्टीमेटली जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको यही काम करना है तो दैट इज वाई एम टेलिंग कि क्या उनके पास कोई चॉइस है तो हमें पता चलता है ऐसे इंसिडेंट्स से कि नहीं बहुत से लोगों के पास चॉइस नहीं है तो यहाँ से जो ट्रैफिकिंग ये जो रेट्स पड़ती हैं ये लोग पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि इनके झूठे आधार कार्ड बने हैं इनके फेक इंडियन साउंडिंग नेम्स दिए गए हैं ताकि लोगों को लगे कि ये बंगाली होगी ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया है तो इस तरह की पेनफुल स्टोरीज़ जो हैं सेक्स वर्कर्स की आपको बहुत सारी सुनने को मिलेंगी बहुत सारी इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी तो देखिए ना इनके पास ना ही कोई मेडिकल इंश्योरेंस है ना ही कोई फिक्स टाइमिंग्स हैं काम की उल्टा तो ये ना भी नहीं कह सकते ना कस्टमर को डिनाई कर सकते हैं कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है कोई गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम नहीं है ना कोई छुट्टियाँ हैं अनहाइजीनिक सिचुएशन में एटमोसफेयर में ये लोग काम करते हैं फिज़िकली वर्बली मेंटली इनको एब्यूज़ किया जाता है तो ये रियलिटी है रेड लाइट एरियाज़ की और ये जो रेड लाइट एरियाज़ हैं जो हम बोल रहे हैं किसी पेपर पे ये रिकोगनाइज भी नहीं है कोई लीगल टर्म नहीं है ये कोई रेड लाइट एरिया है कोई ऐसा रिसर्च नहीं है ऊपर से आ, हमको पता भी नहीं है कि कितने लोग एज सेक्स वर्कर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट का कोई डेटा भी नहीं है बट हाँ अगर आप प्राइवेट डेटा देखेंगे आगे पीछे के सर्वेस का तो आपको पता चलेगा इंडिया में अराउंड सिक्स लाख फिफ्टी सेवन थाउजेंड एट ट्वेंटी नाइन प्रॉस्टिट्यूट जो हैं वो इंडिया में काम कर रही हैं फिर ये जो ब्रॉथल्स चल रहे हैं इलीगली जो कि नहीं चलने चाहिए आ, इनका कैलकुलेशन यानी अगर चले भी तो रेगुलेट होने चाहिए अभी तक आप ब्रॉथल नहीं खोल सकते इनकी इनकम इंकं, इनकम आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज ब्रॉथल में समवेयर पाँच uh, से आठ यंग महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं जिनकी एज एटीन टू ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर्स कुछ भी होगी अब जो यंग लड़कियां उनके लिए लोग ज़्यादा पैसे देते हैं जैसे एटीन uh, एज की जो लड़कियां हैं उनको प्राइम कस्टमर्स के लिए रखा जाता है प्राइम कस्टमर्स उनको कहा जाता है जो छः हज़ार से आठ पर आवर का देने के लिए रेडी रहते हैं फिर दो से तीन महिलाएं हैं जिनकी एज एटीन टू ट्वेंटी फाइव होगी कस्टमर्स पाँच हज़ार से छः हज़ार उनके लिए भी देने के लिए तैयार हैं फाइनली जो पच्चीस साल से ऊपर है उनको थाउजेंड और टू थाउजेंड पर आर जो है वो दिया जाता है तो इस तरह से आप देखिए ब्रॉथल की इनकम भी कितनी आ रही है और इस इनकम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है उसके बाद जो नॉर्मल टेन मिनट सेशन के लिए कोई आ रहा है तो थाउजेंड पर कस्टमर लिया जाता है अब देखिए, यानी, almost एक में एक लाख रुपए दिन के आ रहे हैं। पूरे साल का आप कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, एक साल में इतने पैसे आ रहे हैं और इस एरिया में जैसे मैंने आपको बताया अराउंड 188 ब्रॉथल्स हैं रफली आप बोलें, तो रेड लाइट एरिया का एनुअल टर्न ओवर मिलियन है देखिए जो लोग इनको चला रहे हैं जिनके बारे में जो पीछे बैठे होते हैं नहीं पता होता ये पैसे उनके पास जाते हैं आप बोलेंगे कि अगर इतने पैसे आ रहे हैं तो प्रोस्ट जो सेक्स वर्कर्स हैं प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं उनको तो फ़ायदा है लेकिन ये पैसे इन महिलाओं को जो ट्राफिक करके ज़बरदस्ती इसमें लाई जाती है उनको नहीं दिए जाते उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है कि जस्ट उनकी लाइफ चल पाती है सो so, ये देखिए ये आपको मैं गांव कनेक्शन का बता रही हूँ डू सेक्स वर्कर्स हु फ्राम पूर पुअर रूरल हाउस रियली हैव अ चॉइस क्या उनके पास कोई चॉइस है तो बहुत अच्छा आर्टिकल है आपको भी टाइम मिले तो इसको ज़रूर पढ़िए uh, उसके बाद देखिए कोलकाता में भी सेक्स वर्कर्स ऑफ सोनागाची पैंडमिक में इनका बहुत बुरा हाल हुआ क्योंकि कस्टमर्स नहीं थे खाना तक इन लोगों को नहीं मिल रहा था अब देखिए कोई बी है उसके पास अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स का भी पूरा फ़ायदा उठा रहा है लेकिन यहाँ पे ये लोग जो ज़बरदस्ती लाए जाते हैं इसमें धकेले जाते हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी फायदा नहीं उठा पाते तो क्वेश्चन यहाँ पे सेक्स वर्कर्स के ये हैं कि उनके बच्चे उनके भी बच्चे हैं उनको स्कूल के पैसे देने हैं पैनडमिक में कस्टमर्स नहीं हैं तो वो कहाँ से मैनेज करें खाना कहाँ से खाएँ तो काफ़ी लोग ऐसे थे जो लास्ट कितने कितने दिन से खाना नहीं खा पा रहे थे बीमार थे लेकिन फिर हमने देखा आप बोलेंगे कि इसको रिकोगनाइज कैसे किया सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को रिकोगनाइज करता है सेक्स वर्क सेक्स वर्कर्स को यहाँ पे हमको एक प्रोग्रेसिव मूव देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है लोकल गवर्नमेंट्स को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया कि इनको वोटर कार्ड दिया जाए राशन कार्ड इशू किए जाए सेक्स वर्कर्स को लेकिन डेफिनेटली सोसाइटी में लोगों को बिलिटल करके देखा जाता है उनको बहुत अच्छी नजरों से तो नहीं देखा जाएगा उनकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इस तरीके से उनको वोटर कार्ड्स और राशन कार्ड जो हैं वो दिए जाए ताकि जो गवर्नमेंट के वेलफेयर बेनिफिट्स हैं इन लोगों को मिल मिल पाए अब कोर्ट में एक प्ली फाइल किया गया था दरबार महिला समन्वय Uh, कमेटी के द्वारा सेक्स वर्कर्स की एक कमेटी है कोलकाता बेस्ड और uh, इन्होंने हाईलाइट किया था कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सेक्स वर्कर्स की इंडिया में और स्पेशली कोरोना वायरस पैंडमिक के दौरान तो कलेक्टिव यहाँ पे अराउंड एक लाख तीस हज़ार रजिस्टर्ड मेम्बर्स थे और उन्होंने बताया कि इस तरह से सेक्स वर्कर्स गरीबी में धकेले जा रहे हैं रिलीफ मेजर्स की ज़रूरत ज़रूरत है महिलाओं को ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स को भारत में तो इस तरह का प्ली यहाँ पे इन्होंने लगाया गया था और लेकिन ओरिजिनल पटिशन जो इनकी थी इन्होंने अराउंड दस साल पहले लगाई थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ड्राई फ्रूट राशन जो है सेक्स वर्कर्स को दिया जाए विदाउट रिक्वायरिंग आइडेंटिटी कार्ड्स उनके आइडेंटिटी कार्ड्स चाहे नहीं बने हैं तो भी उनको राशन जो है वो ड्राई फ्रूट राशन दिया जाए लेकिन ये चीज़ें कभी फॉलो नहीं हुई दिस इज़ जस्ट अबाउट सब्सिडाइज राइस अबाउट डिग्निटी तो यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ सब्सिडाइज खाने की बात नहीं थी उनकी डिग्निटी की भी बात है कि उनको नॉर्मल सिटीजन की तरह बाकी बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल सकते कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और इसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे राइट right, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिकॉज डेफिनेटली देर इज प्लाइट आप उनका देख सकते हैं सेक्स वर्कर्स का और फिर भी अचीवमेंट है यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी प्रोग्रेसिव जजमेंट आई कि राशन दिए जाएं वोटर कार्ड्स बनाए जाएं सेक्स वर्कर्स के लिए तो ये एक दो दिन में नहीं हो गया डिकेट्स की स्ट्रगल है क्योंकि इंडिया में आप बोलेंगे ये चीज़ें कैसे हो रही हैं आज से नहीं हो रही आप पुरानी पिक्चर्स देखेंगे जैसे देवदास है देवदास स्टिल नहीं है उससे भी पुरानी पिक्चर्स देखेंगीवैफ के रोल आपको दिखेंगे या लिटरेचर पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कोई सेक्स वर्किंग जो है या प्रॉस्टिट्यूशन जो है नया नहीं है अलग अलग फॉर्म्स में इंडिया में बहुत पुराने समय से एग्जिस्ट करता आया है तो इसका क्या करना चाहिए कोई लॉ बनना चाहिए या तो हम इसको प्रॉपर्ली रेगुलेट कर पाए या तो बिल्कुल इलीगल कर दें आपका क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे विद स्कीम हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ट्राफिकिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रेस्क्यू रीहेबिलिटेशन री इंटीग्रेशन रिपाट्रिएशन ऑफ़ वुमेन उज्ज्वला स्कीम स्टेप स्कीम प्रियदर्शनी स्कीम डी डब्ल्यू सी आर ए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए या पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सही आंसर जानने के लिए बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम आई पर भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच